सैयद नाम है मेरा और आप यान टीवी देख रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली के आज़ाद मार्केट में मौजूद हैं। आज़ाद मार्केट का ये शीश महल का इलाका है। यहाँ पर आज सुबह ही एक बिल्डिंग जो है वो गिर गई, जिसके बाद कई मजदूरों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। आपको बता दें, ये जो बिल्डिंग है वो उसमें कार्य चल रहा था जिसमें मजदूर लगे हुए थे, जिसके बाद सुबह करीब 8:30 बजे यह बिल्डिंग गिर गई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल मच गया और लोग इधर उधर भागने लगे, जिसके बाद फौरन मौके पर ही NDRF की टीम पहुंची और राहत बचाव का कार्य तब से लेकर अब तक जारी है। NDRF की टीम लगातार अंदर मलबे को हटाकर जो अंदर से बॉडी है उसे निकाल रही है। और ताज़ा जानकारी आपको बता दें, यहाँ पर जो हमने स्थानीय लोगों से और NDRF की टीम से बात की तो उन्होंने बताया कि करीब 5 से 7 लोगों को अभी तक पास के ही नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है और वहीं अभी तक फ़िलहाल किसी के भी मौत की कोई खबर नहीं है। और अंदर अभी और भी कई मजदूरों के कह सकते बॉडी होने की आशंका है, जिसको लेकर लगातार मलबा हटाया जा रहा है और NDRF की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर मौजूद है। इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी शोक जताया है। वहीं यहाँ पर हमारे साथ स्थानीय लोग मौजूद हैं, हम स्थानीय लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर सुबह क्या कुछ हुआ। क्या नाम है सर आपका? हमारे नवाब साहब है। क्या कुछ हुआ? टेक्निकल फॉल्ट है, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी, गिर गई, उसमें क्या कर सकते, कोई कैजुअलिटी हुई बस। सुबह कितने बजे की घटना है? 8:15 पर बिल्डिंग गिर गई। उसके बाद से जो राहत का कार्य NDRF की टीम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत लगन से कर रहे हैं, काफी पब्लिक है, सब सपोर्टर, सब सपोर्ट। अभी तक अंदर से कितने जो बॉडी है वो निकाले? 5 इंजर्ड है, बॉडी कोई नहीं है, 5 इंजर्ड है वो हॉस्पिटल में। मेरा नाम मोहम्मद हारू। क्या कुछ हुआ था सुबह? घटना सुबह 8:15 के टाइम में ये गिरी है बिल्डिंग, और क्या नाम है, उस टाइम कोई ना कोई दबा है ना कोई ऐसा कुछ हुआ है, कोई भी नहीं है। अब जो अंदर जो मलबा उठेगा बीच में वहाँ पता लगेगा लीवर है ही नहीं है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। कोई थोड़े बहुत जो रास्ते में चल रहे थे वही इंजेक्ट हुए, बस कुछ नहीं हुआ। अंदर में मजदूर लोग मौजूद थे या नहीं, जैसा बताया जा रहा है कि कार्य चल रहा था अंदर, तो मजदूर मौजूद थे अंदर उस टाइम? क्या भाई, 8:15 के टाइम में बिल्डिंग गिरी है और मजदूर आते हैं 9 बजे के बाद, 9:15। कोई मजदूर कोई नहीं था, जो ईंटें उधर पर उठा रहे थे वो नीचे खड़े होकर चाय पी रहे थे बाहर, बाकी कोई ऐसा कुछ नहीं है। जो अंदर से जो बॉडी निकली है या कोई बॉडी नहीं निकली, बेकार की बात है, जो जख्मी है जो इंजर्ड वगैरह हुए हैं वो हुए हैं, बाकी कोई बॉडी कुछ नहीं निकली। और ये जो NDRF का काम है कितने बजे से चल रहा है और क्या कुछ है भाई? देखो उसकी टाइमिंग थी तो चले जाए, इसके आधे घंटे बाद सब आ ही गए थे, आधे घंटे बाद और सभी लगे हुए हैं, गली का हमारा पूरा, गली की जितनी भी हमारी गली के लड़के हैं सारे लगे हुए हैं उसके अंदर, बाकी और बहुत सारे महकमे आए हुए थे, पुलिस ने भी बहुत कॉपरेट करा हमारे को, सारे सब बढ़िया काम हुआ। जो भी